पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर ये हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। मेरा नाम सतीश पुंछी है। 20 मार्च को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी एक दिन के धरने के लिए जी। और आज जो हमारे मुद्दे जो हम 20 तारीख को भी आगाह कर चुके हैं सरकार से और आज भी हम उसी पर यहाँ पर बैठे हैं। हमारा एक दिन का यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है आज। किन मुद्दे हमारे सबसे पहला मुद्दा जो है स्टेटहुड का है, जो मतलब के सरकार ने हमारी बहुत अच्छी बनी बनाई स्टेट को तोड़कर यूटी बना दिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी को तोड़कर प्राइमरी स्कूल बना दिया। ये तो हम सुनने को आता था, देखने को भी आता था कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल बना, मिडिल से हाई और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्कूल बनते हुए कभी नहीं देखा। ये पहली बार है, पहली सरकार है। लेकिन आज जो मुद्दे हम लेकर बैठे हैं इसमें स्टेटहुड का पहला मुद्दा है कि इसको हमें पूरी तरह बहाल किया जाए। दूसरा मुद्दा है OPS का, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो 10 साल से हमारे गवर्नमेंट मुलाजिम जो भर्ती हो रहे हैं उनको नहीं मिल रही। तीसरा मुद्दा है डेली वेजर का, जो 2015 से आज तक धक्के खा रहे हैं और उम्र राज भी हो गए हैं। कहीं तो बेचारे इसी के चक्कर में भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि इनके ये जो 3 मुद्दे हैं हमारे फौरी तौर पर माने जाएं। ये जम्मू कश्मीर की आवाम के हैं, लेकिन जैसे इन्होंने 370 तोड़ के जम्मू वालों का दिल खुश करने की कोशिश की थी कि यहाँ बहुत कुछ होगा, यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पर बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर अच्छा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन ये उनका एक झूठा प्रचार था। ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा झूठे निकले। हमारा अगला कदम जो है, आज हमने जो यहाँ पर मीटिंग रखी, आज हमने आम जनता को नहीं बुलाया था, आज सिर्फ पॉलिटिकल लोग जो हैं अलग अलग संस्था से, अलग अलग पॉलिटी से, अलग अलग NGO से, वही लोग हमारे पास आए, उन्हीं लोगों के साथ हमने यहाँ पर आज का धरना दिया। और अगली जो हमारी डिमांड है वो हम इनसे सलाह मशवरा करके अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद। मैं PL खजूरिया, स्टेट प्रेसिडेंट, JNK एक्सप्रेस सेल, JKUT, इस मंच से सरकार को आगाह करवाना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वो डेली वेजेस को रेगुलराइज करें और उनके पेंडिंग सैलरीज रिलीज करें। और न्यू पेंशन स्कीम, जैसे बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम्स रेगुलराइज की है, उसको बहाल किया है, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट भी न्यू पेंशन स्कीम को बहाल करे। और दूसरा, जल्द से जल्द रियासत में इलेक्शन हो और JNK को जो स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। इसके बाद सतीश पुंछी जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये मुलाजमों के मुद्दे लेके एक जायज़ मुद्दे हैं और हम जो है इनकी पुरजोश सपोर्ट करते हैं और ये सरकार को ये मुद्दे मानने चाहिए। और हमारा मोटिव है कि हम जनता की समस्याओं का निपटारा करा सकें और मिलजुल कर अपने प्रदेश और देश को विकास करवा सके। धन्यवाद। आज का हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, ये सतीश मुंशी जी ने एक ऑर्गेनाइज किया था जस्ट टू सेंड अलार्मिंग बेल टू द गवर्नमेंट, स्लीपिंग गवर्नमेंट, रादर आई मस्ट नॉट से दैट गवर्नमेंट स्लीपिंग गवर्नमेंट, एक अलार्मिंग बेल भेजने के लिए हमने एक इन्होंने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। इनमें मेन जो इश्यूज इन्होंने रेज किए थे, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जैसे हिमाचल में भी लागू हो चुकी है, बाकी स्टेटों में भी लागू कर रहे हैं, जो मुलाजिम यहाँ पे लगे हुए हैं उनके फेवर में ये एक था कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जानी चाहिए। और डेली वेजर जो देख लीजिए आप, आए दिन देखते हैं ये सड़कों पर उतरे रहते हैं, 60-65 हज़ार के करीब डेली वेजर हैं, इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा जो मेन मुद्दा जो है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को जोर शोर से बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से ये कहना चाहेंगे कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, ये एक मेन जो मुद्दा है, स्टेटहुड हमसे छीना गया है और 370 भी हम नहीं कहते 370 का 370 है 372 है, लेकिन जो भी राइट्स हमारे से छीने गए हैं उन तुम्हारे तमाम राइट्स को यहाँ पे वापस लाना चाहिए। ये तमाम जो खोखले वादे किए गए थे रंजीमों ने,
इलॉजिकल जो इन्होंने एक अपना लॉजिक दे के ये कहा गया 370 के बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जमीनों की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ना ही यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का नामो निशान है, ना ही श्रीनगर में किसी ने जमीन खरीदी है, जो हमें लग रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज, मोटे इंडस्ट्रीज जो हैं, इसका अंडर द गार्ब ऑफ 370 जो रिमूव किया है, यहाँ पे जमीन खरीद के आगे रीसेल कर रहे हैं। हम ये सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा जो है, ये स्टेटहुड को लुटाया जाए और मेन मकसद जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन होगा तो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं ना लगाएं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तक ही छोड़ देना चाहिए, ना कि इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेटिक जो रूल है इस पे ब्यूरोक्रेट के हाथ में नहीं रखना चाहिए। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, अगर भाई टैक्स लगाना चाहते हैं, डबल टैक्स लगाना चाहे, ट्रिपल टैक्स लगाना चाहे, वो उनके हाथ में रहना चाहिए।